भारत की राजधानी दिल्ली का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। जहां यह आज के समय में भारत की राजधानी है, वहीं इसे आजादी के पूर्व भी लगभग 800 वर्षों तक राजधानी रहने का गौरव प्राप्त हो चुका है। दिल्ली न जाने कितने ही बादशाहों के उत्थान और पतन का इतिहास अपने आंखों से देख चुका है। दिल्ली भारत की राजधानी तो है ही, यहाँ स्थित लाल किला भी इसकी मुख्य पहचान है। अगर दिल्ली को किलों का शहर भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारत के अन्य शहरों की तुलना में दिल्ली में सबसे ज्यादा किले हैं। इन किलों में कोसक ए श्री किला, जिसे 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तुगलकाबाद किला, जिसे 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, आदिलाबाद किला, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने आज से करीब 700 साल पहले बनवाया था, पुराना किला, इसे 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी के बीच शेर शाह सूरी ने बनवाया था। कुछ इतिहासकार इसके निर्माणकर्ता हुमायूं को भी बताते हैं। किला ए कुहना, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने 1541 में कराया था और लाल किला का निर्माण शाहजहां ने 1648 में कराया था। हम आपको बता दें कि इन सभी किलों में से पुराना किला तथा लाल किले को छोड़कर शेष अत्यंत जर्जर हो गए हैं, कुछ तो अवशेष मात्र रह गए हैं। यहाँ हम दिल्ली के लाल किले के बारे में बात करेंगे। सन 1627 ईस्वी के अंत में शाहजहां के पिता जहांगीर की मृत्यु हो गई। सन 1628 में शाहजहां ने दिल्ली की सल्तनत संभाली, लेकिन गद्दी संभालते ही उसे अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इन विद्रोहों में बुंदेलों तथा अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीजापुर के विद्रोह प्रमुख थे। शाहजहां ने बहादुरी पूर्वक इन विद्रोहों का दमन भी किया और राज्य में शांति की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उसने कांधार को भी जीता और गोवा तथा हुगली के पुर्तगालियों का दमन किया। इन युद्धों में उसके जीवन के महत्वपूर्ण 10 साल खत्म हो गए। हर तरफ से मुक्ति मिलने के बाद शाहजहां ने निर्माण कार्यों पर ध्यान दिया और शाहजहां अपनी कल्पनाओं को हकीकत में धरातल पर उतारने की सोचने लगा, क्योंकि शाहजहां एक कलाप्रिय शासक था। अपने एक ख्वाब को साकार करने के लिए उसने 12 मई दिल्ली में किले का निर्माण कार्य शुरू करवाया। चूँकि यह लाल ईंटों से बन रहा था, इसलिए इसे लाल किला कहा गया। इसके निर्माण में हजारों मिस्त्री तथा मजदूर लगे और युद्ध स्तर पर काम हुआ, जो लगभग 3 सालों में बनकर तैयार हुआ। 18 अप्रैल 1642 में शाहजहां ने यहां पर पहली बार अपना दरबार स्थापित कर इसे ऐतिहासिक बना दिया। शाहजहां ने अपने बैठने के लिए रेशमी जरी और चांदी के धागों से बना हुआ बेहद खूबसूरत तख्ते ताउस, जिसका अर्थ है मयूर सिंहासन, बनवाया था। इस मयूर सिंहासन की शोभा देखते ही बनती थी। उसे देखकर शायर फिरदौसी ने कहा था कि इस जमीन पर कहीं जन्नत है तो वह यही है, यही है, यही है। इसे 1739 में नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया था। लाल किले में कुल 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा दिल्ली गेट कहलाता है, जो दरियागंज के सामने है। दूसरा दरवाजा लाहौरी गेट कहलाता है और यह चांदनी चौक में खुलता है। लाहौरी गेट के अंदर घुसने पर मीना बाजार पड़ता है, जहां पीतल व कांसे की पुरानी मूर्तियां, मुगल शैली के चित्र, लकड़ी व हाथी के दांत के महीन काम वाले सजावटी सामान मुख्य रूप से मिलते हैं। आगे बढ़ने पर दीवान ए आम है। यहीं पर शाहजहां का दरबार लगता था और तख्ते ताउस भी यहीं पर स्थित था। दीवान ए आम के आगे रंग महल व हमाम है। इनकी दीवारों पर मूंगे और मोतियों की संगमरमर पर सुंदर पच्चीकारी की गई है। यहीं पर संगमरमर की बनी मोती मस्जिद है, जिसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया था। किले के एक ओर शीश महल है और अब इसे संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। इसमें मुगल कालीन वस्तुओं का अच्छा संग्रह है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक और संग्रहालय है, जो दीवान ए आम के सामने बड़े दरवाजे के ऊपर स्थित है। लाल किले के मुख्य आकर्षण दीवाने आम, दीवाने खास, मुमताज महल, रंग महल तथा खास महल है। इन सभी को वर्तमान में संग्रहालयों का स्वरूप दे दिया गया है। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर ध्वनि और प्रकाश पर आधारित एक शो भी होता है, जो बहुत ही आकर्षक होता है। लाल किले के पीछे की ओर राजघाट, शांति वन और विजय द्वार स्थित है। राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पवित्र समाधि भी है। शांति वन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। लाल किले के सामने ही ऐतिहासिक जामा मस्जिद स्थित है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। उस्ताद खलील खां के नेतृत्व में 6 वर्ष में बनकर तैयार हुई यह मस्जिद काफी ऊंचाई पर स्थित है तथा यह विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद
मस्जिद कहलाती है। लाल किले के दिल्ली दरवाजे के सामने ही कोटला फिरोज शाह ग्राउंड है, जिसे बादशाह फिरोज शाह ने बनवाया था। किसी जमाने में यह एक विशाल किला था, लेकिन अब यह मात्र एक मैदान रह गया है। 14 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। तब से लेकर आज तक यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य झंडारोहण कार्यक्रम होता है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। इस प्रकार 1639 को भारत का प्रमुख केंद्र बना लाल किला आज भी अपने महत्व को बरकरार रखे हुए है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल वाईपी कमल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुँचता रहे।